एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज आपका डे नंबर 43, डे नंबर 43 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे मैं आपको बेसिक वीडियो एक ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं डे नंबर 42 में, और आज कुछ हम मॉडरेट प्लस हार्ड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रेन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इससे पहले 10 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कवर करवा चुका हूं। क्या कह रहा है? ट्रेन ए ऑफ लेंथ 180 मीटर क्रॉस अनदर ट्रेन बी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकंड। ट्रेन ए क्रॉसेस ए पोल इन 20 सेकंड एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। यहाँ पे देखिए, पहले तो ट्रेन ए है उसकी लेंथ दे रखी है 180 मीटर। वो दूसरी ट्रेन है जो ट्रेन बी है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसको क्रॉस करने में 15 सेकंड का टाइम लेती है, और जो ट्रेन ए है वो किसी पोल को क्रॉस करने में 20 सेकंड का टाइम लेती है, जबकि लेंथ है ट्रेन ए की वो हाफ होगी बी के कंपेरिजन में, और हमें स्पीड बतानी है ट्रेन बी की। तो सबसे पहले देखिए, ट्रेन ए है उसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 180 मीटर, और इसने क्या कहा कि लेंथ होगी ट्रेन ए की वो हाफ होगी बी के कंपैरिजन में। तो बी की हम बता सकते हैं, अगर ये हाफ है तो कितनी हो जाएगी वो, बी की 360 मीटर। क्लियर है? और इसने कहा कि ट्रेन ए है पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 20 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, तो ट्रेन ए की लेंथ कितनी है, 180, इसको 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, डिवाइड कर दीजिए 20 में 180, यानी ट्रेन ए की स्पीड आ जाएगी 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? अब इसने 9 मीटर पर सेकंड हमें ट्रेन ए की पता लगी, इसने कहा कि ट्रेन ए और बी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और वो 15 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, तो इन दोनों की डिस्टेंस वो ऐड कर दीजिए, यानी लेंथ ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 36 और 18 को ऐड करोगे तो बनते हैं 54, यानी 540 मीटर। ठीक है, और इसको कितनी देर में क्रॉस कर रहे हैं, 15 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, तो इन दोनों के रिलेटिव स्पीड यहां से पता लग जाएगी। 5 से काट दीजिए, 5 से 15, 5 एक 5 0, 5 8 40, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, यानी हमें पता लगे 36 मीटर पर सेकंड। ये दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई, यानी दोनों की स्पीड मिला के 36 मीटर पर सेकंड है, और हमें ट्रेन ए की पता है 9 मीटर है। तो यहाँ पे दोनों में से ट्रेन ए की माइनस कर देंगे तो किसकी बच जाएगी, ट्रेन बी की, तो कितनी आ जाएगी, 27 मीटर पर सेकंड। और हमें ऑप्शंस में मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो हम सीधा ए को टिक कर सकते हैं। अगर आपको किलोमीटर पर होर में दिया होता तो 27 को 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करके आगे किलोमीटर पर होर में इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से हैं, जिससे भी आप मतलब आपको लगे कि मीटर में है तो मीटर में निकालिए, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में निकालिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है? टू ट्रेन हैविंग इक्वल लेंथ टेक 1/3 मिनट एंड 1/5 मिनट रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए पोस्ट। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 300 मीटर, इन व्हाट टाइम इन सेकंड विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, दो ट्रेन है जिनकी दोनों की लेंथ इक्वल है। अगर एक की 300 मीटर है, मान लेते हैं एक ट्रेन ए है तो उसकी 300 मीटर है, तो दूसरे की भी कितनी होगी, ट्रेन बी की भी 300 मीटर होगी। ये चीज इसने मेंशन कर रखी है। एक ट्रेन है वो अपने आप को क्रॉस करने में कितना, 1/3 मिनट ले रही है, 1/3 ऑफ मिनट। एक मिनट में कितने होते हैं सेकंड, 60, तो कितना ले रही है, एक पार्ट यानी 3 से डिवाइड करोगे यानी 20 सेकंड का समय ले रही है। यानी ट्रेन ए है वो कितना टाइम ले रही है आपका, 20 सेकंड का समय ले रही है क्रॉस करने में। ट्रेन बी है 1/5 निकालोगे यानी 12 सेकंड ले रही है। ठीक है, तो ये इसने टाइम दिया है इतनी इतनी डिस्टेंस करने में। तो आप यहाँ पे ट्रेन ए की स्पीड निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, 300 है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रही है, 20 काट दोगे तो बच जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमें पता लग गया। ट्रेन बी की बात करते हैं, 300 मीटर सेम है, क्रॉस करने में कितना समय लगा रही है, 12 मिनट लगा रही है ना, तो यहाँ पे आप काट दो, 6 दूनी 12, 6 5 30, 0, 50/2 यानी 25 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास अलग अलग हमें पता लग गया कि ट्रेन ए की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, बी की 25 मीटर पर सेकंड है। हमें कहा अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 25 प्लस 15 कितने होते हैं, यहाँ पे आपके हो जाएंगे कितने, 25 प्लस 15 हो जाएंगे 40, यानी 40 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस की लेंथ कितनी, इन दोनों की लेंथ ऐड कर दो कितनी, 300 प्लस 300 600, रिलेटिव स्पीड इन दोनों की स्पीड ऐड करो कितनी आ जाएगी, 25 प्लस 15 यानी 40। तो हमें पता लग जाएगा काटो यानी 15 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको समझ आ गया, कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 400 मीटर 600 मीटर रिस्पेक्टिवली रनिंग एट द सेम डायरेक्शन, द फास्टर ट्रेन कैन क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इन 180 सेकंड, द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन।
यहाँ पे आपके पास दो ट्रेन दे रखी है, एक की जो लेंथ है 400 मीटर है, दूसरे की है 600 मीटर, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को 180 सेकंड में क्रॉस कर देती है, ठीक है, और हमें बताना स्पीड क्या होगी स्लोअर ट्रेन की, सॉरी स्पीड बतानी है हमें फास्टर ट्रेन की, जबकि स्लोअर ट्रेन की हमें स्पीड दे रखी है 48 KMPH यानी किलोमीटर पर आवर। देखिए इन दोनों की लेंथ ऐड कर दीजिए यानी 400 प्लस 600 यानी कि कितनी है ये, कितनी क्रॉस करते हैं डिस्टेंस 1000 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस 1000 मीटर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, ये आपको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, डिस्टेंस हमें पता लगी 1000 मीटर है, स्पीड है मान लेते हैं जो फास्टर ट्रेन है वो उसकी मान ली हमने एक्स, ठीक है, फास्टर ट्रेन की मान ली एक्स, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं इनकी दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और जब अपोजिट में मूव करते हैं तो दोनों का ऐड करते हैं, तो एक्स माइनस 48 कर दूंगा, फास्टर में से स्लोअर घटा दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितनी देर में कर रहे हैं एक दूसरे को 180 सेकंड में, ठीक है, क्लियर है, डिस्टेंस आपकी 1000 मीटर आगे, स्पीड नीचे होगी इज इक्वल टू टाइम। अब इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है, ये सिर्फ सिंपल सा है, इसको आपको अब क्या करना है सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे 18 था वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा 18000, ठीक है, क्योंकि नीचे 18 था ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 18000 हो जाएगा, ठीक है, ये 180 इज इक्वल टू था वो एज इट इज रख दीजिए मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यू थी उधर लीजिए, ठीक है, x माइनस 48 मल्टीप्लाई बाई 5, ये सब चीजें उधर थी, तो यहां से इसको काटोगे तो 180 एक में 180 दो जीरो बचेगी, 5 से काटो 5 × 10 = 20, यानी यहाँ पे x माइनस 48 की जो वैल्यू है हमें पता लगे 28 है, सॉरी 20 है, ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, इधर माइनस में 48 से उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 48 प्लस 20 कितना होता है 68, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 68 KMPH यानी किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है, यहां तक बताइए, अगर कोई डाउट हो तो, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, समझ नहीं आया हो, ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ए ट्रेन है कवर करती है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन आर एंड एस इन 45 मिनट, इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 5 km/h इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 48 मिनट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन आर एंड एस, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए एक ट्रेन है जो दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है आर और एस के बीच की, वो 45 मिनट में कवर करती है, अगर स्पीड वो 5 km/h कम कर लेती है तो वो क्या करती है सेम डिस्टेंस 48 मिनट में कवर करती है, तो हमें डिस्टेंस बतानी है दोनों स्टेशन के बीच में, तो हमें स्पीड और स्पीड भी बतानी है ट्रेन की। देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी लॉजिकल चीज है, थोड़ा सा समझना, जब जिस कंडीशन में डिस्टेंस दोनों में सेम हो, ठीक है, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है, कैसे रिलेशन में बताता हूँ, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है, आप 50 km/h की स्पीड से चल रहे हो 50 KMPH से, तो कितने घंटे में कवर कर लोगे 2 घंटे में, आपने स्पीड बढ़ा दी 100 km/h कर लिया तो कितना हो जाएगा 1 घंटा, यानी आपने स्पीड बढ़ाई ऑटोमेटिक टाइम कम हो गया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पे आपके दोनों कंडीशन में इसने सेम डिस्टेंस कहा है तो इसका पूरा बेनिफिट लीजिए। मान लीजिए स्पीड एस थी पहले, ठीक है, और फिर आपकी s माइनस 5 यानी 5 km/h घट गई, जिसके कारण s थी तब तो ये टाइम लेता था 45 और अब ले रहा है 48, इसको काटिए, इसको काटोगे तो कितना बनेगा, यहां से देखिए आप 1 और 6, ठीक है, यहां पे कितना है, सॉरी आपका ऊपर नीचे वाला कर देंगे, चलिए यहाँ पे आएगा 48, क्योंकि देखिए पहले जो वैल्यूज कर रहा है ना वो 48 सेकंड्स में कर रहा है, ठीक है, ये 48 और 15 आएगा नीचे, ऊपर नीचे कर दिया हमने 48/45, ठीक है, ये इसकी देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये चीज समझना है यहाँ पे, तो इसको काट दोगे तो यहाँ से देखिए 3 से काटोगे 3 × 3 = 15, 3 से काटोगे 3 × 3 = 18, ठीक है, अब देखिए एस अपॉन एस माइनस 5 हुआ यहाँ पे 16 से 15, ठीक है, 16 से 15 क्या है, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि 1 डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना, कितना डिग्रीज हुआ है 1, वो किसकी इक्वल था, इसने 5 किलोमीटर डिक्रीज किया, ठीक है, 5 किलोमीटर डिक्रीज किया तब 1 पॉइंट नीचे घटा है, तो हमें 16 की जो एक्चुअल थी वो निकालेंगे, तो 16 की हम क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 5 = 80 यानी 80 किलोमीटर, ठीक है, हमें पता लगे 80 KMPH किसकी स्पीड थी, अब इसने क्या कहा 80 किलोमीटर/h की स्पीड थी इसकी, ये वाली एस की वैल्यू हमें पता लगी जो पहले इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर/h थी और 45 मिनट में कर रहा है, तो स्पीड है 80, टाइम कितना 45 मिनट मिनट में है, और ये आपकी डिस्टेंस स्पीड है वो किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सॉरी टाइम को हमें आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 16 कर देंगे, तो 15 × 3 = 45, 15 × 6 = 60, 4 से कैंसिल आउट करोगे 4 × 8 = 0 यानी 20 × 3 = 60 यानी 60 किलोमीटर वो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी।
ठीक है। और आपकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है वो है आपकी 60 किलोमीटर को। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हो, 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज समझना कि जो टाइम है और स्पीड है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मेरे को बताओगे क्वेश्चन नंबर 15 का, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद चलिए और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए होमवर्क रखा है। कोई डाउट हो तो मुझे मेल कर देना, आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बस ए एंड बस बी इज 3:2, बोथ स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एस एट द सेम टाइम एंड रीच द स्टेशन टी which is 40 km away from S, the bus A lost about 40 minutes while the stopping at the station, find the speed of bus A। देखिए यहाँ पे आपको S और T दो स्टेशन दे रखे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आपका एक डायग्राम छोटा सा, आपको समझ आ जाएगा। S और T दो स्टेशन दे रखे हैं जिनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर एक है जो स्टेशन S है, जो वहां से बस A चलती है, ठीक है, बस A चलती है और जो कहां पे पहुंचती है, टी स्टेशन पे, ठीक है, और इसी पे बी भी चलती है यहीं से, जो भी टी पे पहुंचती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो टी पे पहुंचती है वहां पे आपका मतलब कि यहाँ पे एक टाइम मिनट लॉस हो जाता है, बस एक का 40 मिनट कम पे पहुंचती है, यानी स्टॉपेज स्टेशन पे रहने के कारण उसको 40 मिनट मतलब उसका डिफरेंस आ जाता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकी स्पीड का जो रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी है, कितना है 3:2, यानी 3x/2x, तो यहाँ पे एक लॉजिकल सिंपल सी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, उन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 40 मिनट का, क्योंकि ए है 40 मिनट लेट पहुंचती है, तो यहाँ पे देखिए 40, ठीक है, दोनों में कॉमन है डिस्टेंस, तो अपॉन 2x, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 40/3x, आप 3x क्यों किया, क्योंकि A है वो 40 मिनट लेट पहुंची है, कितने मिनट लेट पहुंची है 40, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, hours में, तो डिवाइड बाय 60 क्यों करेंगे, क्योंकि जो स्पीड है वो आपकी किलोमीटर पर आवर में है और जो डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में है, तो हम टाइम को सेकंड या मिनट में कैसे रख सकते हैं, इसको भी हमें hours में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो काट दीजिए 20 × 40 = 60, एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का कितना आएगा 6x हो जाएगा, 2 × 6x यानी 40 × 120 माइनस 3 × 6 होता है 40 × 2 कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 2/3, इन दोनों को माइनस करोगे कितना बचेगा 40/6x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 2/3। अब इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो, 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 × 3 कितना होता है 120, ठीक है, 6 × 2 = 12x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ बस ए, तो बस ए क्या पता कर सकते हो, x की वैल्यू 10 है तो 3 × 10 यानी 30 किलोमीटर पर आवर, इन 30 km/h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, क्वेश्चन अच्छा था और इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं प्री एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, टू स्टेशन ए एंड बी आर 525 किलोमीटर अपार्ट, ट्रेन ए लीव्स फ्रॉम स्टेशन ए फ्रॉम स्टेशन बी एंड एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम बी टू ए, द बोथ द ट्रेन्स मीट 5 hours आफ्टर दे स्टार्ट मूविंग, इफ द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए इज 15 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन अदर वन एंड देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। क्वेश्चन अच्छा है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो स्टेशन दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, छोटा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं इसको, इनके बीचों के जो डिस्टेंस है वो 525 किलोमीटर है, कितनी है 525 किलोमीटर है, ट्रेन ए है वो स्टेशन ए से चलती है, यानी यहाँ से ट्रेन ए चलती है बी की तरफ, ठीक है, स्टेशन बी की तरफ, इसी टाइम पे जो आपका सेम टाइम पे है दूसरी ट्रेन है ट्रेन बी, जो आपके कहां से चलती है, स्टेशन बी से ए की तरफ चलती है, ठीक है, अब ये 5 घंटे बाद मिलते हैं, जब ये स्टार्ट करते हैं उसके 5 घंटे बाद ये मिलते हैं यानी मीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ट्रेन है स्टेशन ए से स्टार्ट होती है तो वो 15 किलोमीटर ज्यादा प्रति घंटे की स्पीड से एक्स्ट्रा दौड़ती है दूसरी ट्रेन के कंपैरिजन में, यानी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है, ट्रेन बी के कंपैरिजन में इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो हमें इनकी रेशियो बताने की स्पीड का, हम मान लेते हैं जो यहाँ पे ए पे है वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, इसको हम वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लेते हैं, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना था 15 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड के बीच, यानी x माइनस y की वैल्यू हमें पता लगी 15 आएगी, क्योंकि देखिए जो a से दौड़ती है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चलती है, तो x माइनस y इज इक्वल टू 15। इस यहाँ पे देखिए इसके अलावा जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है 525 किलोमीटर है,
ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या मानी एक्स और वाई, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऐड कर देंगे, तो कितने घंटे बाद मिलते हैं, 5 घंटे बाद। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स प्लस वाई की कितनी आ जाएगी, इसके 5 से काटोगे तो 5 से कम 5 0, 5 5 25 यानी 105 आ जाएगी, एक्स प्लस वाई 105 आ गया आपका, एक्स माइनस वाई था वो 15 था, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो काट दीजिए, 2x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 120 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू हमारे पास 60 kmph आ गई, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो y की आप बता सकते हो किसी एक वैल्यू में पुट कर दो तो कितनी आ जाएगी, 60 माइनस करोगे तो आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर, तो y की भी हमारे पास आ गई, x की हमारे पास आ गई, तो हमें x और y का रेशियो पूछा था, y की कितनी है 45, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, तो 4:3 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यहां से बता दीजिए अगर कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या कह रहा है, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड क्रॉसेस ए ब्रिज इन 20 सेकंड, अनदर ट्रेन व्हिच इज 140 मीटर शॉर्टर देन द प्रीवियस ट्रेन क्रॉसेस द सेम ब्रिज एट 40 मीटर पर सेकंड, देन द टाइम टेकन बाय द क्रॉस द ब्रिज बाय द सेकंड ट्रेन। देखिए यहां पे एक ट्रेन है जो 35 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है और 20 सेकंड में किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, ठीक है, दूसरी ट्रेन है जो 140 मीटर छोटी है पहली के कंपैरिजन में, तो वो ही ट्रेन उसको 40 मीटर पर सेकंड में कितनी देर में क्रॉस करेगी उसी ब्रिज को बताना। देखिए पहली बात करें इसकी स्पीड कितनी है 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितनी देर में उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं 20 में, तो 35 × 70 यानी 700 मीटर, यानी ये आपकी जो डिस्टेंस आई है इसमें ब्रिज की भी इन्वॉल्व है प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की भी लेंथ मिली भी है और ब्रिज की भी, क्योंकि ये क्या कहता है कि ब्रिज को क्रॉस करने में, देखिए मान लीजिए आपका ब्रिज है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, तो ये क्या करेंगे कंप्लीट डिस्टेंस को कवर करेंगे ना, तो यहाँ पे ब्रिज और लेंथ की दोनों, ट्रेन की लेंथ दोनों मिक्स है 700 मीटर में, ठीक है, इसने क्या कहा कि 140 मीटर छोटी है, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा 700 में से 140 माइनस कर दूंगा, क्योंकि उस ट्रेन से 140 मीटर छोटी है, ठीक है, तो 140 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आएगा इसको, इसको जब आप 700 में से 140 माइनस करते तो 560 बनते हैं, यानी 560 मीटर अब इसको ट्रेन को कवर करना है सेकंड वाली को, कितनी किस स्पीड से कर रही है 40 मीटर से, तो 560 को आप क्या करो सीधा 40 मीटर से डिवाइड कर लो, 0 × 0 = 4 × 4 = 16, यानी 14 सेकंड में क्रॉस कर देगी सेकंड ट्रेन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, इजी है, कोई डाउट हो तो पूछिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई टू कोवई इज 820 किलोमीटर, स्टॉप द एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम द चेन्नई टू कोवई एट 72 किलोमीटर पर आवर, 50 मिनट लेटर मैंगलोर एक्सप्रेस लीव्स कोवई टू चेन्नई ऑन द पैरेलल ट्रैक एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार फ्रॉम कोवई विल दे क्रॉस ईच अदर, ठीक है, दो स्टेशन आपको दे रखे हैं, एक है आपका चेन्नई, ठीक है, आप पे मेंशन कर दे, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं आपको समझ आ जाएगा कोवई, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 820 किलोमीटर, ठीक है, अब एक है जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो यहां से चलती है, ठीक है, SS के नाम से डिनोट करता हूं शताब्दी एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड आपको दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है मैंगलोर एक्सप्रेस जो चलती है कोवई से चेन्नई की तरफ किस स्पीड से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, क्लियर है, वो कितने मिनट लेट चलती है, जब आपकी चेन्नई से जो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है उसे 50 मिनट लेटर कौन चलती है, यानी उसे 50 मिनट बाद में चलती है, जब तक आपकी जो मैंगलोर एक्सप्रेस चलती है तब तक चेन्नई वाली ने कितने कवर कर लिए शताब्दी एक्सप्रेस ने 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और कितने सेकंड लेट पहुंच रही है, कितने मिनट लेट चलती है 50 मिनट लेट चलती है, तो यानी 50 मिनट में उसने कितना कवर कर लिया 50/60 कर दीजिए ताकि जो आपका मिनट है उसको होर में कन्वर्ट कर सके हम, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से करोगे 6 × 6 = 12, यानी जब तक आपकी मैंगलोर एक्सप्रेस चलती है तब तक आपकी जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, टोटल 820 थी जिसमें से 60 इसने ऑलरेडी कवर कर ली, पीछे कितनी बची 760 किलोमीटर, यानी अब इन दोनों को जब ये चलती हैं एक साथ तब इनके बीच का जो डिफरेंस बचता है वो 760 किलोमीटर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड को कर दीजिए ऐड, तो यानी डिस्टेंस 760 है, स्पीड 80 + 72, 80 + 70 150 यानी 152 हो जाएगा, अब इसको काट लीजिए, ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 × 7 = 14, 1 × 2 = 6 = 12, यहां से 38 × 76 = 0, ठीक है, क्लियर है, अब यहां से देखिए काटोगे तो 38 × 76 होते हैं, 38 से कम 38 = 0, यानी 5 घंटे में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे,
ठीक है, 5 घंटे में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, लेकिन इसने पूछा है कि कितनी दूर से ये कोवाई से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो कोवाई से पूछा है ना, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो 5 घंटे में इसने कितना किया, 8×5=40 यानी 400 किलोमीटर दूर है कोवाई से वो एक दूसरे को मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, अच्छे क्वेश्चन है, इजी लेवल के क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है, ट्रेन ओवरटेक टू पर्संस वॉकिंग अलोंग ए रेलवे ट्रैक, द फर्स्ट वन वॉक्स एट 4.5 किलोमीटर पर आवर, अनदर वॉक एट 5.4 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन नीड्स 8.4 एंड 8.5 सेकंड रिस्पेक्टिवली टू ओवरटेक देम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ बोथ द पर्संस आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज ट्रेन। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ट्रेन है, 2 पर्सन को ओवरटेक करती है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसमें आपकी स्पीड दे रखी है पहले वाले की 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे ट्रेन है पहले वाले को 8.4 सेकंड में क्रॉस करती है, दूसरे वाले को 8.5 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, तो हमें बताने की ट्रेन की स्पीड क्या होगी जब दोनों पर्सन है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखिए पहले पर्सन की बात करते हैं, पहले फर्स्ट की बात करते हैं, उसकी स्पीड क्या है आपकी 4.5 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपका टाइम है वो सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे कर दिया 10, 5 × 5 = 10, 9 × 2 = 18, 9×5 = 45, यानी 5/4 सेकंड में। ठीक है, 5/4 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर आगे सोल्व करोगे तो 1.25 बन जाएगा। ठीक है, 1.25 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बता दीजिए अगर कोई डाउट हो। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं, सेकंड की स्पीड क्या थी आपकी, सेकंड वाले की थी 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड को किलोमीटर पर ओवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे कर दिया 10, 5×5 = 5, 5×2 = 10। ठीक है, 18×18 = 18, 18×3 = 54, यानी 3/2 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है, 3/2 मीटर पर सेकंड को आगे सोल्व करोगे तो 1.50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हमें दोनों की स्पीड पता लग गई। अब देखिए दोनों की स्पीड अगर हमें पता लग गई तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो टाइम है एक तरह से डिस्टेंस है वो दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो स्पीड अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हम मान लेते हैं ट्रेन की जो स्पीड है उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लीजिए ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक फर्स्ट वाला भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम इन दोनों की स्पीड में क्या कर देंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, आपको रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड माइनस करेंगे और अपोजिट में आते हैं तो ऐड करते हैं। तो मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड आपकी एक्स है, तो x माइनस 1.25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, x माइनस क्या हो जाएगा आपका 1.25 मीटर पर सेकंड, कितनी देर में क्रॉस कर रहे हैं 8.4 सेकंड में, पहले वाले को यहाँ पे मेंशन कर रखा, इज इक्वल टू x माइनस 1.5 मीटर पर या 1.50 कह सकते हो आप। ठीक है, 1.50 कह लो, दोनों सेम ही बात है आपकी, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रही है 8.5, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है उसकी। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही की तो डिस्टेंस कवर कर रही है ना उनको क्रॉस करने में। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, 8.4 की x से करोगे तो क्या बन जाएगा 8.4x। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए 1.25 के 8.4 से करोगे तो 10.5 बन जाएगा, ये तो ओरली बता लग जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 8.5x हो जाएगा यहाँ से माइनस। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि 85 और 1.50 में, तो आप इसकी भी गुणा कर सकते हो। ठीक है, टेबल आपको पता होना चाहिए, आप इजिली कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे इसको 15 मान लो, ठीक है 15 मान लो, 0 रख दो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 एसडीए रखो, 15×5 कितना होता है 75, 7 कैरी, 15×8 = 120 प्लस 7 कितना होता है 127। ठीक है, अब 2, 1, 3 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो 3 के बाद लगा लिया 12.75 हो जाएगा। ठीक है, 12.75 वो इधर प्लस में माइनस में, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी 12.75 माइनस यहाँ पे 10.50 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करोगे 8.5x इधर प्लस में था, इसको इधर माइनस में किया तो बचा 0.1x, तो इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2.25 = 0.1x, पॉइंट यहाँ है, इसको इधर लेके आओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22.5 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 22.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड में सोल्व किया सारा डेटा, अगर किलोमीटर पर ओवर में हमें कन्वर्ट करना है तो 22.5 को हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटाने के लिए मैंने कर दिया नीचे 10, 5 से काट दीजिए 5×20 5×5 = 25, यहाँ से 5 से काटोगे 5×2 = 10, 5×5 = 45, 2 से काटोगे 2×2 = 18, 9×9 = 81, यानी 81 की एमपीएच किसकी स्पीड आ जाएगी आपकी ट्रेन की। ठीक है, कोई डाउट तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क दे रखा था, उसको जरूर सोल्व करना वीडियो को पीछे रिमाइंड करके, और अच्छा क्वेश्चन है, उसको ट्राई कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, ईमेल आईडी ऑलरेडी आपको दे रखी है संदीप@ibpsguide.com। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।
इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेस्ट क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। इसके अलावा कोई डाउट हो वो पूछ सकते हो, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप है उसमें इन वीडियोस को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।